नेक्स्ट वन अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. इसी से एग्जांपल के अकॉर्डिंग जस्ट रन टाइम पर कोई भी नंबर एंटर करो हुए एज अ न्यूमेरिक वीकडे. एज वी नो टोटल पॉसिबल न्यूमेरिक वीकडे क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इस कुछ कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग न्यूमेरिक वीकडे 1 मंडे भी कंसिडर होता है, कुछ केसेस में संडे. तो इस केस में संडे के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना, अगर 1 प्लेस किया देन 1 के अकॉर्डिंग स्पेल्ड फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले कराना. अगर रन टाइम पर यूजर ने प्रेस किया 1 के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना एज अ मैसेज एज संडे, और एंटायर डे इज संडे और टुडे इज संडे लाइक दैट. अगर 2 प्रेस किया 2 के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना एज अ मैसेज एज मंडे. मीन्स न्यूमेरिक डेज के फॉर्म में आपको वीकडे एंटर करना, देन इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या कराना रन टाइम पर एज अ करेस्पॉन्डिंग डे एज अ स्पेल्ड फॉर्मेट और इन द फॉर्म ऑफ स्पेलिंग. सेवन के केस में डिस्प्ले कराएं समथिंग टुडे इज सैटरडे लाइक दैट. इस केस में टोटल पॉसिबल केस कितने होंगे, 7. 7 डिफरेंट डिफरेंट केसेस को टेस्ट करने के लिए टोटल कंडीशंस भी कितने रिक्वायर्ड होंगे, ऑल्सो 7 कंडीशंस. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देन डिस्प्ले कराएंगे एज अ इनवैलिड वीकडे लाइक दैट. इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशंस. ओनली सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड हुआ इस केस में, समथिंग रीड क्या करा हुआ डे, उसको मैं वेरिएबल नेम प्रोवाइड करा एज अ इंटीजर, वेरिएबल नेम इज आल्सो डे. देन सेकंड स्टेप क्या रहेगा, रीडिंग इनपुट्स फॉर न्यूमेरिक वीक डे. मीन्स इस केस में इनपुट वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वीक डे. देन प्रिंट एफ जनरली अगर देखा जाए एग्जाम्पल इसका है नेस्टेड इफ एल्स और वी कैन से एल्स इफ. इन दैट केस एंटर नंबर और एंटर वीक डे, एंटर वीक डे सम मैसेज नेक्स्ट वन. स्कैन एफ, स्कैन एफ के थ्रू इनपुट्स को रीड करने के लिए ऑलवेज यूज क्या करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन सेम एज अगेन एड्रेस एट वेरिएबल डे. जैसे स्कैनर फंक्शन एग्जीक्यूट करेस्पॉन्डिंग वैल्यू रीड कराने के बाद स्टोर हो जाएगा इनसाइड वेरिएबल डी. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद वन बाई वन कंडीशन टेस्ट करें तो टोटल वीक डे पॉसिबल डे कितने, 1, 2, 3, 4 अप टू 7. इसलिए टोटल कंडीशंस भी कितने प्रोवाइड करना है, एग्जैक्टली 7 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशंस, इस कंडीशंस में प्रोवाइड करा इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड एल्स. इफ, इफ के केस में कंडीशन टेस्ट करें, इफ डे इक्वल इक्वल मीन्स अगर एक गिवन डे 1 के इक्वल है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डे इज इक्वलेंट टू 1. इस केस में पॉसिबल केस कितने होंगे कंडीशन में, आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे एज टुडे इज संडे और सिंपली संडे, एंटर डे इज संडे लाइक दैट. नेक्स्ट वन, अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन फॉल्स होने के केस में चांस किसको मिलेगा, एज वी नो एल्स ब्लॉक. अगर कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा, एल्स ब्लॉक. और एल्स ब्लॉक के अंदर अगेन प्रोवाइड क्या करेंगे, रिमेनिंग 6 कंडीशंस. मीन्स इनसाइड मीन्स या तो कंडीशन ट्रू का ट्रू होने के इसमें सिंपली क्या डिस्प्ले जाएगा संडे, देन एल्स ब्लॉक को चांस नहीं मिला. अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कहां जाएगा, इनसाइड एल्स. देन एल्स के अंदर अगेन प्रोवाइड करेंगे एन अदर इफ कंडीशंस. एल्स ब्लॉक में प्रोवाइड क्या करेंगे, इफ कंडीशंस लाइक दैट, इफ एन अदर कंडीशन. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो, इफ डे इक्वल इक्वल टू. अगर एंटर डे का वैल्यू 2 के इक्वल एंटर, देन मैसेज क्या डिस्प्ले कराएंगे एज अ मंडे. नेक्स्ट में अगेन कंडीशन फॉल्स होने चांस है, कंडीशन फॉल्स है देन फिर से प्रोवाइड क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक. ये एल्स ब्लॉक किसको फॉलो करेगा, इनर इफ और नेक्स्ट इफ सेकंड इफ. देन एल्स के अंदर फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे लाइक इफ डे इक्वल इक्वल 3 एंड सो ऑन लाइक दैट. तो करेस्पॉन्डिंग फाइनली इस इफ एल्स और इफ को कंबाइन करना और सिंगल लाइन में भी राइट करना पॉसिबल. मीन्स एल्स एंड इफ को सिंगल लाइन में भी राइट करना पॉसिबल, सेपरेट लाइन में भी राइट करना पॉसिबल. तो इसको राइट करने का अदर वे क्या हुआ, एल्स ब्लॉक. एल्स के जस्ट बाद एल्स का बॉडी सेशन स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी सेशन मैंने प्रोवाइड किया एज अ इफ. मीन्स आप लोगों को ऐसा लगता है एल्स इफ अपने आप में सिंगल स्टेटमेंट. मीन्स इस केस में एल्स क्या है, एल्स एसोसिएटेड टू आउटर इफ और इफ क्या है, इट्स
inner body or it's inner block or body of else. Then if के means real में condition किसके साथ apply हो रहा है? If के साथ, not for else. Else के अंदर again another if condition write हो रहा है, then if condition में provide के like as if day equal equal to, अगर day का value 2 के equivalent है, then message display कराएंगे जब printf another message as Monday. Like that. Again, first condition we got true of second condition we sorry first condition we false or second condition we false. Then आप test किसके लिए कराएंगे? 3 के लिए, then 4 के लिए, like that. इस type से same condition else if के form में कितनी बार repeat होंगे? 6 times. Again, else. Real में देखा जाए तो else किसके साथ associated है? जैसे else block is associated with that if. Then इस else के अंदर again inner body part में write क्या हो रहा है? Another if, like that. Else if, if के केस में next condition supply करें day equal equal 3, अगर day का value 3 के equivalent है, then message display कराएंगे जब printf something Tuesday. Same as, पर condition false है, then फिर से provide क्या करें? Else block. Else किसके साथ है associated? Third if. Then इसके साथ फिर से if condition provide करें, if day equal equal day equal equal 4 and so on. इसके साथ साथ message display करें. Finally last case, last condition क्या हुआ? Like that. Else if, इस remaining part आप खुद से consider कर सकते हो, 4, 5, 6 means start से 3 more conditions supply. Finally else if day equal equal का day का value 7 के equivalent है, then display करा लेंगे printf today is Saturday, like that. Today is Saturday. Next one, अगर A condition ही false है, then finally सबसे last में क्या provide करेंगे? Else block. इस else execute हो, इसका मतलब सारे के सारे 7 conditions कैसे हैं? False. अगर सारे condition false हैं, इसका मतलब number कैसा है? Invalid weekday. Next one display कराने, finally invalid weekday or invalid day, like that. This is the final message. And finally, closing of body of program. This is type say weekday display spelled format display karana possible by using given conditions. If or else ka normal behavior kya hai? Agar first condition true hai, then control directly ka send hoga outside ko. Means in all 7 conditions mein ya to if ka execution hoga ya fir else if ka execution hoga ya fir agar another else if like that. Suppose that agar day ka value 3 hai, then day equal equal 1, 3 equal equal 1 false. Second condition test होगा 3 equal equal 2, second condition ही false है, then test क्या third condition, day का वाली 3 है, then 3 equal equal 3, condition true. Condition true होने के just case में control कहां send होगा? Outside program, means outside else block. इस remaining पूरा part इसका skip हो जाए. अगर इस case में flow control diagram create करें और execution flow diagram, execution flow diagram के according इसका diagram क्या होगा? First one, सबसे पहले first condition क्या था? Condition 1, if day equal equal 1, means इस case में possible case क्या हुआ? Either condition is true or condition is false. Condition true है, then इसके according क्या display कराएंगे? True message. False के according different case, true and false. और condition true है, then display क्या हुआ इस case में? As a message something printf Sunday, then our condition false है, false है तो फिर से test क्या हुआ? Another conditions. Next condition क्या है? Again day equal equal 2, then again इस case में possible case क्या होंगे? Either true or false, true and false. पर condition false है, true है, then true के according message क्या display हो जाएगा? जा Monday, today is Monday, printf Monday. Condition false है, then again next लिख बा third condition check होगा. Check क्या हुआ इस case में? Third condition. Third condition के according क्या रहेगा? Day equal equal 3. Again इस case में possible case क्या होंगे? Either condition is true or condition is false. और condition false है, true है, then display क्या करा लेंगे? Corresponding message today is Tuesday. Otherwise next में फिर से condition test होगा like that. Day equal equal 4.
अगेन कंडीशन टेस्टिंग लाइक दिस। तरह से सारे कंडीशन टेस्ट कर लेंगे। फाइनली सपोज दैट ये लास्ट कंडीशन आएगा सेवेंथ कंडीशन, सेवेंथ कंडीशन के जस्ट बाद अगेन इस केस में पॉसिबल केस क्या हो, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले क्या करा लें लास्ट कंडीशन में, टुडे इज सैटरडे। अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, इनसाइड एल्स ब्लॉक, लास्ट वन क्या है एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या करा लेंगे, इनवैलिड डे और इनवैलिड वीक डे लाइक दैट। इस केस में फाइनली एट ए टाइम केवल एक ही मैसेज एग्जीक्यूट हो, नॉट अ ऑल मैसेज। जैसे ही सपोज फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गया तो कंट्रोल कहाँ है संडे, उसके बाद रिमेनिंग पूरा पार्ट स्किप हो जाता है। दिस इज द एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम फॉर गिवन कोड।